हमले के डर से व्हाट्सएप तक पर नॉमिनेशन फाइल करने पड़े, जीत के बाद भी जनप्रतिनिधियों को पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी। लोकतंत्र के इस अपमान से, लोकतंत्र को इस तरह कमजोर किए जाने से सुप्रीम कोर्ट तक में नाराजगी जताई, लेकिन दीदी ने लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र की परवाह नहीं की। साथियों, बंगाल और भारत के लिए रवि ठाकुर का आदेश है, रवि ठाकुर का आदेश है, चित्तो जैसा भय सुनो, चित्तो जैसा भय सुनो, हृदय जहां भय मुक्त रहे। लेकिन दीदी का प्रयास रहता है चित्तो जैसा भय आक्रांतो, चित्तो जैसा भय आक्रांतो, हृदय जहां भय आक्रांत रहे। दीदी को इस बार के चुनाव में छप्पा वोट नहीं करने दिया जा रहा तो वो और बौखला गई है। दीदी की गुंडागिरी, मस्तानगिरी का खेला नहीं करने दिया जा रहा है तो दीदी बौखला गई है। दीदी द्वारा हर पैंतरा आजमाया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जाए। टीएमसी द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक दीदी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ आदरणीय दीदी, आप जितनी चाहे साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। इस बार बंगाल के लोगों ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल के लोगों ने आप पर अभूतपूर्व विश्वास किया था, अब वो आपको हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट देने वाली है बंगाल की जनता इस चुनाव में, जो आप जीवन भर घर में लटका करके रख सकती हो। कौन सा सर्टिफिकेट जनता देने वाली है? जो 2 मई को सर्टिफिकेट आने वाला है, वो सर्टिफिकेट आने वाला है भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यानी दीदी ये बंगाल की जनता अब आपको आजीवन एक सर्टिफिकेट देने वाली है भूतपूर्व मुख्यमंत्री। लेके घूमते रहना भाइयों बहनों, बंगाल के लोग, बंगाल के लोगों से आपकी नफरत भी महसूस कर रहे हैं। दीदी के करीबी शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों और बहनों को भिखारी कहते हैं, दीदी चुप रहती है। दीदी के करीबी बीजेपी को वोट देने वालों को बंगाल से बाहर फेंकने की धमकी देते हैं, दीदी चुप रहती है। किसी की दुखद मृत्यु पर दीदी की संवेदना भी वोट बैंक का फिल्टर लगा करके ही प्रकट होती है। दीदी, पश्चिम बंगाल आपकी दुर्नीति से परेशान है, इतना ही नहीं है बल्कि बंगाल को आपकी नीयत पर भी शक है। इसलिए पश्चिम बंगाल के कोने से कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, किच्छु नहीं तृणमूल, किच्छु नहीं तृणमूल, ए बार वोट पद्दो फूले, कुछ नहीं अब तृणमूल में,
इस बार वोट कमल फूल में। भाई और बहनों, 10 साल तक दीदी ने बंगाल को भेदभाव और पक्षपात वाली सरकार दी है। हालत तो ये है कि स्पोर्ट्स क्लबों खिलाड़ियों तक की मदद में भी दीदी ने भेदभाव किया। जो स्पोर्ट्स क्लब दीदी का गुणगान करें, उनके गीत गाएं, उन्हें पैसा, जो खेल पर अपना ध्यान दे, बंगाल का नाम रोशन करे, वो स्पोर्ट्स क्लब यहां पैसों के लिए तरसते हैं।